प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेड इन इंडिया क्रूज तैयार किया जा रहा है। यह क्रूज जल्द ही वाराणसी में गंगा की लहरों पर पर्यटकों को सैर कराएगा। यह क्रूज वाराणसी में चलने वाले लग्जरी क्रूज अलकनंदा से बड़ा है। इतना ही नहीं, इसका किराया भी उसके काफी कम होगा। इसे तैयार करने वालों ने इसे बाबा विश्वनाथ को समर्पित करते हुए इसका नाम श्री विश्वनाथम रखा है। यह देसी क्रूज लग्जरी सुविधाओं से लैस होगा। इसमें एक बार में 120 यात्री सफर कर पाएंगे। ग्राउंड फ्लोर फुली एसी होगा, जबकि सेकेंड फ्लोर पर ओपन रूप टॉप जैसी व्यवस्था होगी। इसके अलावा इसमें बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी इस क्रूज में है। इसे तैयार करने वाले अज्जू साहनी ने बताया कि 550 रुपए के पैकेज में यह क्रूज पर्यटकों को 80 से नमो घाट तक की सैर कराएगा। इस पैकेज में गंगा आरती भी शामिल होगा। बात यदि वाराणसी में चलने वाले अलकनंदा क्रूज की करें तो उसकी अपेक्षा इसका किराया 40% कम रखा गया है। इतना ही नहीं, साइज के हिसाब से इसकी लंबाई अलकनंदा से ज्यादा है। जानकारी के अनुसार यह क्रूज आने वाले एक महीने यानी देव दीपावली से पहले तैयार हो जाएगा। यह क्रूज पूरे देसी अंदाज में बनाया जा रहा है। इसे तैयार करने वाले कारीगर भी देसी ही हैं। बताते चले कि वाराणसी में चलने वाले दूसरे क्रूज को गोवा के शिपयार्ड में तैयार किया गया है, जिसमें कई सारी इंपोर्टेड चीजें लगाई गई हैं, लेकिन इन क्रूज को गंगा की गोद में ही तैयार किया जा रहा है। आटो नीरज आटो मीडिया पर तुम तो सोशल मीडिया पे दिखला जाएगा सब। हाँ तू आवा, सब कोई आवा, इधर आवा। अपना नाम बता। हमारा नाम अज्जू माझी है। अज्जू जी, ये क्या पूरा बन रहा है और कहा जा रहा है कि ये श्री विश्वनाथम नया क्रूज है, क्या है ये पूरा? हाँ, ये भैया जो आपने सुना ये सही है। ये वाराणसी में ये एक नया लॉन्च हम लोग ने किया, माझी समाज ने, विश्वनाथम, श्री विश्वनाथम क्रूज। किस प्रकार का ये पूरा क्रूज बन रहा है? ये पूरा देसी तरीके से क्रूज बन रहा है। ये मतलब यहाँ न कोई बाहर का मिस्त्री न कुछ, जो भी है यहाँ के लोकली ने इसको मतलब बनाया। और हम लोग का मतलब सोच था, एक बार शुरू में आया हुआ था प्रधानमंत्री जी के बाद, मतलब 2015 में अलकनंदा क्रूज अब अपने वाराणसी में आया चला। तो फिर बहुत सी चीज़ें देखा अपने समाज में, वो सब बातें रखी गई कि ये क्रूज नहीं चलेगी, ऐसी ऐसी बहुत सी तरीके से बात हुई। तो फिर हम लोग के मन में ख्याल आया कि वो चीज़ अपनी तरफ, फिर हम लोग का जो सोच था वो अपने सोच से फिर हम लोग एक सोचा कि अब खुद का एक अपना क्रूज हम लोग तैयार करें।
क्या क्या रहेगा इस क्रूज में, किस प्रकार बनेगा ये क्रूज? ये क्रूज एकदम वाराणसी मुरा मतलब 80 घाट से लेके पूरा नमो घाट तक की यात्रा पूरा बनारस का सैर कराएगा और लोगों को पूरे वाराणसी का ऑल 84 घाट है वो सारा दिखलाएगा। गंगा आरती इंक्लूड रहेगा इसमें सारा A to Z। क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? सुविधाएं ये हैं कि AC भी है, नॉन AC भी है। जिसको बालकनी पे फ्लोर पे आना है, सेकंड फ्लोर पे, वो नॉन AC है, और जिसको AC में रहना है और नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, वो AC पे है। और जो भी चीज़ें मतलब जैसे कस्टमर को चाय पानी बिस्किट ये सब इंक्लूड रहेगा। और बैठने की क्या व्यवस्था है यहाँ? इसमें बैठने की व्यवस्था अंदर पूरे ग्लास से मतलब पैक रहेंगे, अंदर AC लगा रहेगा, ऊपर जिसको आना है उस पर चेयर लगा रहेगा। लगभग कितने सीट है? 120 सीट इस पर हम लोग दिए गए हैं। इसकी क्षमता और इसके मतलब पूरे नाप आप से पूरा 120 सीट दिया गया हुआ है। कास्ट माने जाए तो एक यात्री को आने के लिए क्या कास्ट लगेगा? कास्ट बहुत एकदम नॉर्मली दिया गया हुआ है। अभी तक तो 550 रुपीज़ ही पर पर्सन के हिसाब से रखा गया है। उसमें लोगों को पूरा ऑल 84 घाट्स, इवनिंग की जो बोट राइड है उसमें 550 रुपये, और जो मॉर्निंग की बोट राइड है उसमें 450 रुपये रखा गया। ये आपका अगले महीने के लास्ट ईयर तक इसको पूरा ओपन कर मतलब चालू कर देना है। इसकी लागत की बात करें तो कितनी लागत आई होगी? लागत तो भैया इस टाइम बस चल ही रही है, बस एक देखा जाए तो मोटी मोटा हिसाब अगर जोड़े एक नॉर्मल तरीके से तो समथिंग कुछ नहीं तो 75-80 लाख रुपए तक तो अभी तक तो लग गए हुए हैं।